हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज का बैक नेक डिजाइन। तो ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। इसका फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मैंने कटोरी ब्लाउज पर फ्रंट पार्ट बनाया है। अभी हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है अस्तर के फैब्रिक पर। तो अस्तर के फैब्रिक के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका चौथा आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। एक डीप नेक ब्लाउज है तो 1/2 इंच बाहर की तरफ करते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारे 32 है, तो उसका चौथा आएगा 8 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की उसी के अकॉर्डिंग बैक पार्ट को कट कर लेना है और हम मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। देखिए, मेन फैब्रिक मेरा कट हो चुका है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है, तो अस्तर के फैब्रिक पर हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो हिप में रख रहे हो मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हो मैं 10.5 इंच और नीचे से हिप में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है हल्के हाथों से। जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम नेक को कट कर लेंगे। देखिए, मार्किंग के हिसाब से हमें नेक कट कर लेना है। अब मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे नेक को हम सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हमें स्टिच लगा लेनी है। मेन फैब्रिक कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही मेन फैब्रिक कट करेंगे और पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें, कट करते वक्त सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब हमें अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेनी है। जो सिलाई मार्जिन है उसको अंदर की तरफ पलटाते हुए स्टिच कर लेंगे। स्टिच हमारे अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही आनी चाहिए, मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से स्टिच कर ली है। अब पूरा फैब्रिक को पलटाते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं, मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हमें स्टिच निकाल लेंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमें रॉप स्टिच करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा लेना है। अब हम मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना आए, इसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक मेरा अटैच हो चुका है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट देते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए 1 इंच लेते हुए छोड़ा था, तो उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है दोनों साइड की। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की प्लेट दे देनी है और कपड़े को फोल्ड करते हुए नीचे से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। ऐसा थोड़ा छाट लेंगे और उसके बाद हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। कमर पट्टी हमेशा सीधे पट्टी में ही लीजिएगा। एक सीधी पट्टी लेते हुए हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से कमर पट्टी अटैच कर लेंगे और पूरे कमर पट्टी को हम छोटे कट्स लगा लेने हैं। देखिए, इसी तरह से पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको सबसे पहले कट कर लेंगे। अब हमें पूरे पट्टी को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। पूरे पट्टी को पलटाते हुए रफ स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें नेक को लेस अटैच करते हुए उसको फिनिशिंग दे देनी है। तो एक इंच पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, पूरे नेक के बराबर से हमें एक इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब फैब्रिक को पलटाते हुए उसको थोड़ा थपथपा लेंगे, तभी हमारी मार्किंग दोनों साइड में बराबर से आ जाएगी और उसको हमें डार्क कर लेना है। देखिए ऐसा डार्क कर लेंगे लाइन को और उसके ऊपर हमें लेस अटैच कर लेंगे। सबसे पहले नेक के कॉर्नर से लेस अटैच कर लेनी है। बराबर फिनिशिंग के साथ हमें लेस अटैच कर लेनी है। तो नेक के कॉर्नर से बराबर से रखते हुए फिनिशिंग के साथ ये लेस अटैच कर लेनी है, तभी हमारी लेस की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हमने लेस अटैच कर ली है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे, तभी हमारी लेस अच्छे से बैठ जाएगी। देखिए इसी तरह से दूसरे कॉर्नर से भी हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेनी है। अब एक इंच का जो मार्जिन के मार्किंग की थी हमने, तो उसी मार्किंग पर दूसरी लेस अटैच कर लेनी है। तो बराबर लाइन ड्रॉ की है उसी के हिसाब से रखते हुए हमें दूसरी साइड की लेस अटैच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमने जो एक इंच की मार्किंग की है उसी के बराबर से रखते हुए लेस अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए पूरे नेक को हमने लेस अटैच कर ली है। अब ए लेस को भी अच्छी तरह से बिठाने के लिए इसके दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है, तभी हमारी लेस अच्छे से बैठ जाएगी। दूसरे कॉर्नर से भी हमें फिनिशिंग के साथ ये लेस अटैच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।